हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन से एक प्रकार से रिलेटेड लेक्चर है और इसके बारे में हम जानेंगे। आज संसद के बारे में जानेंगे, आर्टिकल भी पढ़ लिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट थे, कहाँ से हमने क्या ग्रहण किया है, अनुसूचियाँ भी हमने देख लिया। आज हमारा लेक्चर जो है वो कहने का है कि संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद जो है एक प्रकार से इसी विधायिका, इसके बारे में हम जानेंगे। तो संसद क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। तो ये तो जो ये जो संसद संसद है, है, 1 मिनट, इसको जो है छोटा कर लेता हूँ, इसको इसको बड़ा बड़ा कर कर लेता लेता हूँ हूँ और और उसके इसके दो दो भागों भागों में में इसको हम हमको पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। तो संसद, संसद के बारे में जो है, ये संसद संसद बनता बनता किससे किससे है? तो है? तो लोकसभा लोकसभा मिलाइए मिलाइए और और फिर फिर राज्यसभा राज्यसभा जोड़ जोड़ दीजिए दीजिए और और राष्ट्रपति राष्ट्रपति को को जोड़ जोड़ दीजिए, दीजिए तो जो तो जो हमारा हमारा बन बन जाता जाता है है वो वो संसद संसद बन बन जाता है। जाता क्या है। बन क्या बन जाता है? जाता है? संसद बन संसद बन जाता है। जाता है। संसद के संसद के अंतर्गत जो अंतर्गत है, हम जो हम केंद्र का केंद्र एक का एक प्रकार से प्रकार से बात बात करें, करें, जिस जिस प्रकार प्रकार केंद्र केंद्र में में संसद संसद काम काम करती करती है, है उसी उसी प्रकार प्रकार स्टेट्स स्टेट्स में में क्या क्या करती करती है, है, राज्य राज्य का का विधानमंडल विधानमंडल काम काम करता करता है। है। विधानमंडल विधानमंडल के के बारे बारे में में जो जो है, है, जिस जिस प्रकार प्रकार संसद संसद के के बारे बारे में में वर्णन वर्णन 79 79 में में किया किया गया गया है है और और 79 79 में में अगर अगर जो जो हम हम 89 89 ऐड ऐड कर कर देंगे देंगे तो तो 168 हो 168 हो जाएगा, जाएगा, उसमें उसमें राज्य राज्य के के विधानमंडल विधानमंडल की की बात बात की की गई गई है। है। जनरली जनरली 89 89 ऐड ऐड कीजिए, कीजिए, अगला अगला आर्टिकल आर्टिकल राज्य राज्य से से रिलेटेड आ रिलेटेड आ जाता जाता है। है। जो जो रिलेटेड रिलेटेड होगा होगा केंद्र केंद्र से, से, उसी उसी तरह तरह का का राज्य राज्य से से भी भी रिलेटेड रिलेटेड आ आ जाता जाता है। है। या या तो तो 89 89 ऐड ऐड करिए करिए या या तो तो 90 90 ऐड ऐड करिए, करिए, वही वही आ आ जाता जाता है। है। तो तो यहाँ यहाँ याद याद रखना, रखना, जो जो 79 79 है है उसमें उसमें संसद संसद बता बता के के बारे बारे में में बताया बताया गया गया है, है, उसी उसी प्रकार प्रकार से से राज्य राज्य का का जो जो विधानमंडल विधानमंडल है है उसको उसको 161 161 में में एक एक प्रकार प्रकार से से बताया बताया गया गया है। है। तो तो सबसे सबसे पहले पहले हम हम संसद संसद के के बारे बारे में में यहाँ यहाँ देखने देखने का का प्रयास प्रयास करेंगे। करेंगे। संसद में संसद जो में है जो है लोकसभा लोकसभा और और राज्यसभा राज्यसभा के के बारे बारे में में जानेंगे। जानेंगे। तो तो इधर इधर अगर अगर जो जो हम हम विधानसभा विधानसभा दोनों दोनों को को साथ साथ ले ले लेते लेते हैं हैं तो तो विधानसभा विधानसभा में में जिस जिस प्रकार प्रकार से, से, सॉरी, सॉरी, विधानमंडल विधानमंडल में में जो जो है है विधानसभा विधानसभा होती होती है है और और विधान विधान परिषद परिषद होती होती है है और और विधानसभा विधानसभा होती होती है, है, दो दो थी। थी। तो तो ये ये जो जो है है समतुल्य समतुल्य है है राज्यसभा राज्यसभा के के और और ये ये जो जो समतुल्य समतुल्य है है लोकसभा लोकसभा के, के, विधानसभा विधानसभा लोकसभा लोकसभा के के समतुल्य समतुल्य है, है, विधान विधान परिषद परिषद राज्यसभा राज्यसभा के के समतुल्य समतुल्य है है और और संसद संसद और और राज्य राज्य का का विधानमंडल विधानमंडल जो जो एक एक प्रकार प्रकार से से ये ये भी भी समान समान है। है। इसके इसके बारे बारे में में 79 79 में में वर्णन वर्णन है, है, इसके इसके बारे बारे में में 161 161 में में वर्णन वर्णन है। है। राज्यसभा राज्यसभा के के 80 80 के के बारे बारे में में बताया बताया गया, गया, बता बता चुके चुके हैं। हैं। लोकसभा लोकसभा के के 81 81 81 81 के के बारे बारे में में बताया बताया गया गया है है और और विधान विधान परिषद परिषद के के बारे बारे में में बताया बताया गया गया है, है, 169 169 के के बारे बारे में में बताया, बताया, 169 169 में में विधान विधान परिषद परिषद के के बारे बारे में में बताया बताया गया गया है है और और विधानसभा विधानसभा जो जो है है उसको उसको 170 170 में में बताया बताया गया गया है। है। इन इन सब सब में में 89 89 ऐड ऐड कर कर दीजिए, दीजिए, हमारा हमारा वही वही निकल निकल के के आ आ जाएगा जाएगा अगला। अगला। और और इसको इसको उच्च उच्च सदन सदन बोलते बोलते हैं हैं राज्यसभा राज्यसभा को को और और लोकसभा लोकसभा को को निम्न निम्न सदन सदन बोलते बोलते हैं, हैं, विधान विधान परिषद परिषद को को उच्च उच्च सदन सदन और और विधानसभा विधानसभा को को निम्न निम्न सदन सदन बोलते बोलते हैं हैं इसमें। इसमें। विधान विधान संसद संसद सदन सदन की की अगर अगर जो जो बात बात करें करें तो तो ये ये स्थायी स्थायी सदन सदन है है राज्यसभा राज्यसभा और और ये ये अस्थायी अस्थायी सदन सदन है, है, 5 वर्ष पांच वर्ष बाद बाद इसका इसका जो जो है है चुनाव चुनाव करवा करवा लिया लिया जाता जाता है है और और ये ये जो जो एक एक प्रकार प्रकार से से इसका इसका जो जो एक एक प्रकार प्रकार से से हर हर 3 साल3 साल में में जो जो हर हर 2 साल2 साल में में जो जो इसके इसके एक एक बटा बटा तीन तीन सदस्य सदस्य होते होते हैं, हैं, वो वो त्यागपत्र त्यागपत्र दे दे देते देते हैं। हैं। उसी उसी प्रकार प्रकार से से इसमें इसमें स्थायी स्थायी सदन सदन ये ये भी भी है है और और अस्थायी अस्थायी सदन सदन विधानसभा विधानसभा है है और और विशेष विशेष विशेषज्ञों विशेषज्ञों की की एक एक प्रकार प्रकार से से सभा सभा और और यहाँ यहाँ पे पे जनप्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों की की सभा सभा है। है। ये ये जो जो है है यहाँ यहाँ पे पे विशेषज्ञ विशेषज्ञ एक एक प्रकार प्रकार से से काम काम करते करते हैं, हैं, विशेषज्ञों विशेषज्ञों की की सभा सभा होती होती है। है। यहाँ यहाँ जनता जनता द्वारा द्वारा एक एक प्रकार प्रकार से से चुने चुने जाते जाते हैं हैं तो तो जनप्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों की की सभा सभा होती होती है, है, जहाँ जहाँ पे पे भी भी विशेषज्ञ विशेषज्ञ होते होते हैं, हैं, यहाँ यहाँ जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होते होते हैं। हैं। इनका इनका भी भी कार्यकाल कार्यकाल 6 वर्ष 6 वर्ष होता होता है, है, ये ये विधानसभा विधानसभा वालों वालों का का कार्यकाल कार्यकाल 6 वर्ष 6 वर्ष होता होता है, है, इनका 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 रिलेशन रिलेशन 5 वर्ष5 वर्ष का का कार्यकाल कार्यकाल होता होता है। है। योग्यता योग्यता क्या क्या होना होना चाहिए? चाहिए? भारत भारत का का नागरिक नागरिक हो, हो, 30 वर्ष तीस वर्ष की की आयु आयु हो, हो, लाभ लाभ के के पद पद पर पर ना ना हो, हो, इसकी इसकी भी भी योग्यता योग्यता इसकी इसकी भी भी योग्यता योग्यता समान समान है, है, इसकी इसकी योग्यता योग्यता इसकी इसकी योग्यता योग्यता समान समान है। है। नागरिक नागरिक हो हो भारत भारत का, का, 25 वर्ष 25 वर्ष उम्र उम्र हो हो और और यहाँ यहाँ पे पे लाभ लाभ के के पद पद पर पर वो वो ना ना कार्यरत कार्यरत हो। हो। विशेष विशेष अधिकारों की बात करें अधिकारों की तो बात करें
पूरे भारत के स्तर पर जो है कानून बना सकते हैं, धन विधेयक पर में प्रस्तुत कर सकता है, धन विधेयक पर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत एक प्रकार से, ये जो एक प्रकार से इसके हैं, ये पूरे भारत में कल ये कानून बनाते हैं। और इनके अगर जो बात करें विधान परिषद की, तो वीपी के एक प्रकार से वीपी के आरंभ के आरंभ एवं उत्साधन का अधिकार जो है वो संसद को है, विधान परिषद को एक प्रकार से जो आरंभ करने का और अवसाधन करने का जो अधिकार है, वीपी का मतलब विधान परिषद है, इसका जो उत्साधन करने का एक प्रकार से अधिकार किसको है, संसद को है। राज्यों में सदन का जो है प्रकार से निरंतरता बनाए रखना, राज्यों में सदन में एक प्रकार से निरंतरता को बनाए रखना, ये भी वही काम करते हैं। धन विधेयक को विधानसभा में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ये लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। और ये अगर जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत उनका जो है प्रकार से है, उनका दोनों का सेम है, इसमें 250 सीटें निर्धारित हैं, इसमें 552 सीटें निर्धारित हैं, और विधानसभा सदस्यों के जो है प्रकार से 1/3 सदस्य, विधानसभा सदस्यों का 1/3 सदस्य या न्यूनतम 40 हो ये सदस्य हैं। विधान परिषद में जितने विधानसभा के सदस्य होंगे उस राज्य में, उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे, या तो उस विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य हों, होने ही चाहिए, तब वहां पे विधान परिषद बनेगी। मतलब जितने यहाँ पे जैसे 500 सीटें निर्धारित हैं, अधिकतम 500 सीटें विधान सभा में निर्धारित हैं और न्यूनतम 60 सीटें निर्धारित हैं, कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और अधिकतम 500 सीटें होनी चाहिए, वरना वो केंद्र मतलब उसको किसी दूसरे प्रदेश के अंतर्गत रख दिया जाएगा। लेकिन काफी राज्य जो है वो अपवाद है, जहाँ पे 60 सीटें नहीं है वहां पे विधानसभा है। आप देखे होंगे कि पुडुचेरी वगैरह वगैरह, सॉरी देखे होंगे गोवा वगैरह, इनमें जो है प्रकार से न्यूनतम 60 सीटें नहीं है। गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, बहुत से और भी राज्य हैं। और भी राज्य हैं यहाँ पे नहीं है। सदस्यों के प्रकार से वर्तमान संख्या क्या है, 245 है, यहाँ 545 है, यहाँ भी कोई निर्धारित नहीं है, 403 एक प्रकार से चुनके आए हैं, 403। उत्तर प्रदेश में जो है 403 404 सीटें हैं, एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं, तो 403 है। आर्टिकल की अगर जो बात करें तो मनोनीत सदस्य कौन कौन से होते हैं, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, चार क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, और क्या होने चाहिए, समाज सेवा से, इन चार मतलब क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति समाज मतलब व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, कला का हो या ज्ञान हो और साहित्य का उसको एक प्रकार से विशेषज्ञ हो, और दूसरा क्या होना, तीसरा क्या होना चाहिए, विज्ञानिक होना चाहिए प्रकार से, विज्ञान से, और यहाँ पे समाज सेवा से जो है ये चार सदस्य जो है, चार क्षेत्रों से जो है सदस्य 12 सदस्य नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 331 में जो है दो एंग्लो इंडियन की बात की गई है लोकसभा में, और राज्यसभा सॉरी विधान परिषद की बात करें तो 169 में 80+90 इसमें जोड़ो 80+90 जोड़ दीजिए तो 169 हो जाएगा, तो 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल नियुक्त करता है, इसमें मनोनीत कितने करता है, 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है, और 5 क्षेत्रों से इसमें से हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से जो है एक प्रकार से 5 क्षेत्रों से विधान परिषद में आते हैं, 4 क्षेत्रों से जो कहां से आते हैं वो विधानसभा सॉरी राज्यसभा से आते हैं। विधानसभा की बात करें तो 333 में एक आंग्ल नागरिक भारतीय जो होना चाहिए, वो राज्यसभा में जो है प्रकार से एक अंग्रेज अधिकारी जो है प्रकार से सॉरी अंग्रेज जो होना चाहिए, भारतीय मूल का एक प्रकार से अंग्रेज होना चाहिए, उसको राज्यपाल एक प्रकार से नियुक्त कर सकता है। नवनिर्वाचित एक प्रकार से सॉरी निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 243 निर्वाचित हैं, 543 एक प्रकार से अभी यहाँ पे निर्वाचित किए गए हैं, और दो एंग्लो इंडियन 545 हो गए, 1/5 सदस्य एक प्रकार से ये हैं, और 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित किए गए,
एक बटा तीन विधायकों को लिया गया है, एक विधान परिषद जो बनी है, तो एक बटा बारह जो सदस्य हैं मिडिल स्कूल के अध्यापकों को नियुक्त किया गया है। मिडिल स्कूल के स्तर एक बटा बारह जो है वो स्नातक स्तर के अध्यापक हैं, जो मीडियम जो पढ़ाई होती है उसके वहां से लिए गए हैं मिडिल स्कूल के अध्यापक, इंटर वगैरह हाई स्कूल वगैरह से यहाँ से। और यहाँ पे नगर पालिका, नगर पालिका बोर्डों से एक प्रकार से जो है नियुक्त किया जाए, नगर पालिका बोर्डों से भी सदस्य लिए जाते हैं, या स्थानीय निकाय जो बोल सकते हैं, नगर पालिका बोर्ड भी उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक बटा तीन सदस्य लिए गए हैं, टोटल एक बटा पांच बटा छह सदस्य, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। अगली अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे चार, तो यहाँ पे टोटल पांच बटा छह आएंगे, इन सभी को जोड़ दीजिए तो पांच बटा छह सदस्य यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं। अगली बात करें अगर जो विभिन्न देशों के संसद और उनके नाम, कौन कौन से देश हैं जो उनके जहाँ पे उनकी संसद वो अपनी काम करती है उनका नाम क्या है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इससे जो है क्वेश्चन आप जो है मतलब गलत ना होने पाए इसके बारे में हम यहाँ पे आपको भी बताने का प्रयास करेंगे। विभिन्न देशों की संसद और उनके नाम, विभिन्न देशों की संसद कौन है। ब्रिटेन की जो संसद है उसको पार्लियामेंट बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की यहाँ की संसद को भी पार्लियामेंट बोला जाता है, अमेरिका की संसद जो है कांग्रेस बोला जाता है, रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा बोला जाता है, और जापान की संसद है दावत बोला जाता है, एक प्रकार से दावत बोला जाता है। बांग्लादेश की है उत्तरी मतलब जातीय संसद है वहां पे। नेपाल की अगर जो बात करें तो राष्ट्रीय संसद पंचायत है वहां पे, राष्ट्रीय पंचायत। ईरान की बात करें तो मजलिस वहां पे बोला जाता है संसद को, मालदीव में जो है मजलिस बोला जाता है। पाकिस्तान की जो है वो नेशनल असेंबली है, इस प्रकार से भारत में संसद है वहां पे भी उनकी अलग अलग जो है बोली जाए वाली, मतलब उसी जो जहाँ पे लोग विधायक वगैरह बैठ के एक प्रकार से शासन चलाते हैं, जहाँ से यहाँ पे अपनी बात व्यात करते हैं, जहाँ संसद पे एक प्रकार से सत्र आहूत किया जाता है, तो वहाँ पे सब काम होते हैं, तो वो उसको उनको एक प्रकार से ये लोग यहाँ अपना अपना जो है अलग नाम देते हैं शासन वाली असेंबली को। तो फ्रांस की अगर जो बात करें तो उसको नेशनल असेंबली बोला जाता है, भूटान को जो बोलता है सोगडू बोला जाता है, और अफगानिस्तान की जो है उसमें सोरा बोला जाता है संसद को, तुर्की को जो है ग्रैंड नेशनल असेंबली बोला जाता है, चीन का नेशनल पीपुल्स काउंसिल बोला जाता है, स्विट्जरलैंड की फेडरेशन नेशनल असेंबली जो है उसको बोला जाता है। ये कुछ संसद आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए जैसे कनाडा है तो यहाँ पे पार्लियामेंट इसको बोला जा रहा है, कांग्रेस को यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अमेरिका की कांग्रेस है, और डेनमार्क को जो है फालकेटिंग बोला जाता है, नॉर्वे को स्टोर्टिंग बोला जाता है, स्वीडन की जो है काम बोला जाता है, और पोलैंड को सोजिंग बोला जाता है, तुर्की को एक प्रकार से ग्रैंड नेशनल असेंबली बोला जाता है, ईरान की जो संसद है उसको मजलिस बोला जाता है, मंगोलिया को जो ये जो मंगोलिया यहाँ पे पड़ता है इसकी जो है पूरल संसद बोला जाता है, रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा बोला जाता है, चीन की जो है पीपुल नेशनल पीपुल कांग्रेस बोला जाता है, भारत के नक्शे के अंतर्गत ले आ रहे हैं, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत है, ताइवान का जो है ये युआन है, संसद भी युआन है, प्रकार से मुद्रा भी एक प्रकार से चीन की युआन है। और यहाँ पे अगर जो बात करें बांग्लादेश की जो है वो जातीय संसद जो है काम करती है, और जो इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट बोला जाता है, मलेशिया के जो है दीवान निगारा बोला जाता है, भूटान की तसोंगडू बोला जाता है, मालदीव को जो है मजलिस बोला जाता है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, अफगानिस्तान की जो संसद है उसको सोरा बोला जाता है, मिस्र की जो संसद है पीपुल्स असेंबली है, इजराइल की संसद है वो उसको नेसेंट बोला जाता है, फेडरल असेंबली जो है स्विट्जरलैंड की है, जर्मनी की जो है वो इसको बोला जाता है बुंडस्टैग जो संसद है, फ्रांस की नेशनल असेंबली है, स्पेन की क्या है कुंटेरा एक प्रकार से कुंटेरा जो है एक प्रकार से स्पेन की है संसद।
एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। 1600 वर्ष जब हुआ था तो 1600 वर्ष ईस्वी में आप जानते होंगे 1600 वर्ष में 1600 का जो राजलेख था उसमें क्या क्या था। गवर्नर और उसकी परिषद की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है एक प्रकार से स्थापना कर उसके पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों की व्यापारिक अनुमति प्रदान की थी। इसी कंपनी को सारा प्रशासन परिषद को सौंपा गया था, जिसके शिखर में जो है गवर्नर और 24 अन्य सदस्य जो थे। अगला जो है 1726 का जो है राजलेख है, 1726 ईस्वी में आया था, तो विधि बनाने की शक्ति के अंतर्गत आता है। इस राजलेख में जो है कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को उनकी परिषद में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, गवर्नर जनरल इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया तो प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। केंद्रीय प्रशासन, बंगाल के गवर्नर की 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मुंबई एक प्रकार से मद्रास, गवर्नर जनरल एक प्रकार से इसका जो है ना बना दिया गया था। यहाँ पे जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 1774 ईस्वी का कोलकाता उच्चतम न्यायालय का एक प्रकार से क्या किया गया था, गठन किया गया था, मुख्य न्यायाधीश थे सर जिया इम्पे। 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है आया था, संशोधनात्मक जो है अधिनियम था। कलकत्ता सरकार ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विधि बनाने का एक प्रकार से इसने अधिकार प्रदान किया था। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया। अगला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण मंडल था और व्यापारिक एवं राजनीतिक मंडल क्रियाकलापों को अलग कर राजनीतिक क्रियाकलापों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक प्रकार से गठन किया गया था, अधीन कर दिया गया था इसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इसके अधीन कर दिया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जान लेते हैं इसे। 1786 ईस्वी का एक प्रकार से जो अधिनियम आया था, प्रथम सेनापति था, गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति शक्तियों के शक्तियां प्रदान की गई थी, गवर्नर जनरल को यहाँ पे प्रधान शक्तियां प्रदान की गई थी। 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था तो न्यायालय का अधिकार दिया गया था कि सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया है, मतलब सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार जो है न्यायालय को दिया गया है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंतर्गत मिशनरियों को यहाँ पे आने का अनुमति प्रदान कर दी गई थी, धर्म प्रचार करने का अनुमति प्रदान कर दी। मिशनरिया वो ईसाई थे जो धर्म के प्रचार के लिए भारत में आते थे। व्यापारिक अधिकार की बात करें तो कंपनी के एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, सभी के लिए जो है व्यापारिक अधिकार खोल दिया गया, सभी लोग व्यापार करेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट में जो है केंद्रीय प्रशासन बंगाल के संपूर्ण गवर्नरों को एक प्रकार से जनरल बना दिया गया था और संपूर्ण गवर्नर में प्रथम जो गवर्नर जो था विलियम बैटिक था, मतलब पूरे भारत का गवर्नर यहाँ पे बना दिया गया था गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर था। और यहाँ पे जो है विलियम बैटिक जो थे वो पहले क्या थे, वो संपूर्ण भारत के प्रथम पहले गवर्नर जनरल एक प्रकार से थे। 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था विधान परिषद के कार्य क्षेत्रों में कानून मतलब एक प्रकार से देश के लिए कानून बनाना था, गवर्नर जनरल के वीटो की एक प्रकार से शक्ति दी गई थी, गवर्नर जनरल को यहाँ पे वीटो की शक्ति दी गई थी, कोई भी कानून बनाने पर गवर्नर जनरल की अनुमति क्या हो गई थी, आवश्यक हो गई थी, जैसे राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो 1858 ईस्वी में भारत सरकार का अधिनियम आया 1858 ईस्वी में, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गया था। अब जो था गवर्नर जनरल जो हुआ करता था भारत का गवर्नर जनरल, उसको वायसराय कहा जाने लगा था, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया था, प्रांतों के गवर्नर को नहीं। तो यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल जो था पहला वो केनिंग था। इसके बाद 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी आया, इसके द्वारा जो बात की गई थी नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा, वायसराय के विधायी कार्य है तो प्रांतों का निर्माण और निर्वाचित राज्य एक प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। विभागीय प्रणालियां, मंत्रिमंडल की व्यवस्था, केनिंग विभिन्न विभाग जो है भिन्न भिन्न सदस्यों को दिया गया था, प्रशासन के उत्तरदायित्व होता था और इस पर जो है मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी थी। अध्यादेश, वायसराय के अध्यादेश एक प्रकार से जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ था वायसराय को। 1873 ईस्वी का अधिनियम था, 1884 ईस्वी के अधिनियम में औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आया था,
भारत की जो है साम्राज्य एक प्रकार से महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था, भारत की साम्राज्य उनको घोषित किया गया था। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिनियम था, 1892 ईस्वी में एक अधिनियम आया था, तो उसमें जो है बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार जो है दिया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो तथ्य क्या थे और क्या प्रावधान थे। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सदस्य संख्या 10 से बढ़ाकर के 16 तक कर दिया गया था। निर्वाचन, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो है शुरुआत किया गया था। प्रश्न पूछने का अधिकार जो है पहला मतलब एक प्रकार से विधायक अधिकार, 6 दिन पूर्व जो है सूचना दे करके प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, मतलब 6 दिन पूरे पहले जो है आपको सूचना देनी होती थी। वार्षिक बजट में पहली बार जो है चर्चा करने का एक प्रकार से अधिकार प्राप्त हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार जो है भारत परिषद अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो, लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जो थे वो मार्ले, लॉर्ड मार्ले थे, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 इसी को बोला गया था। इसमें अगर जो बात करें तो वायसराय लॉर्ड मार्ले मिंटो था, सेकंड था, सचिव था जॉन मार्ले थे, सिफारिश कौन थी थी और अरुण डेल समिति जो थी उसके द्वारा एक प्रकार से ये उसकी सिफारिश पे लाया गया था। औपचारिक नाम इसका क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1909 एनएन काउंसिल एक्ट 1999। और सामान्य नाम इसका जो था मार्ले मिंटो सुधार जो था वो कह सकते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन और मुख्य उद्देश्य जो था राष्ट्रवादी खेमों में क्या था, फूट डालना था। विशेष अंग्रेजों की यह नीति कालांतर थी और विभाजन के कारण जो है ये बनी थी। भारत शासन अधिनियम 1909 प्रावधान क्या किए गए थे, मुस्लिमों को एक प्रकार से सांप्रदायिक, मुस्लिम सांप्रदायिक निर्वाचन में बात करें, इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार जो है मुस्लिम संप्रदाय के प्रथम निर्वाचन में सुविधा प्रदान की गई थी। मार्ले का कथन था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका जो है फल भी क्या होगा, भीषण होगा। वायसराय की कार्यकारिणी की बात करें, वायसराय कार्यकारिणी जो है प्रथम भारतीय विधि सदस्य जो था सत्येंद्र सिन्हा थे। भारत परिषद का जो सदस्य था इंडियन काउंसिल सदस्य था, भारत में जो है सचिव थे और 2 भारतीय इंडियन काउंसिल के प्रकार से सदस्य इनको बनाया गया था, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन को बनाया गया था। सर्वोच्च विधान परिषद की बात करें तो सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या 69 कर दी गई थी। 37 शासकीय एक प्रकार से 32 गैर मतलब सरकारी सदस्य थे। वार्षिक बजट की बात करें, प्रस्ताव आया था तो सदस्य वार्षिक बजट पर कर प्रस्ताव कर सकते थे और सर्वाधिक हित में जो है एक प्रकार से विषय पर प्रस्ताव रख सकते थे। पूरक प्रश्न, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ये जो आया था, घोषणा की चीज की किसने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय सचिव जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। परिणाम हुआ वो था भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में। एडविन मॉन्टेग्यू की बात करें तो ब्रिटिश संसद में जो है मॉन्टेग्यू ने कहा था कि शिक्षित भारतीयों की मांग को संदेह का उनका अधिकार है, उसका उत्तरदायित्व संभालने का जो है आत्म निर्णय लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। परिणाम यह हुआ उत्तरदायी शासन की परिणाम इसका हुआ था और भारतीयों को उत्तरदायित्व मॉन्टेग्यू की घोषणा का संसद घोषणा की संज्ञा दिया गया था, इसको महात्मा मैग्ना कार्टा कहा गया। तिलक या असंतोष और बिना सूरज के सवेरा है, ये मतलब तिलक ने जो है बोला था। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान क्या थे, प्रांतों में शासन जो था प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, प्रांतियों में 2 सदस्य आरक्षित गवर्नरों में उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, हस्तांतरित गवर्नरों और उसके मंत्री जो थे हस्तांतरित सदस्य थे, आंशिक उत्तरदायित्व का एक प्रकार से शासन था। केंद्र में शासन जो था केंद्रीय विधायिका की गई थी और केंद्रीय विधायिका में द्विसदनी बनाया गया था। राज्य परिषद उच्च सदन में 60 सदस्य और निम्न और विधान परिषद निम्न सदन में जो थे 145 सदस्यों की बात की गई थी। भारतीय परिषद जो थी उसमें सदस्यों की संख्या 8 से 12 कर दी गई थी। भारतीय सदस्य 3 थे और कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष का था।
गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी वो तीन थी। कानूनों की समीक्षा, कानून की समीक्षा 10 वर्षों जो है निर्धारित किया गया था। निर्वाचन, भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन, सिखों को एक प्रकार से आत्म निर्वाचन का क्षेत्र दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था और सिफारिश की साइमन रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को। विशेष संविधान था, सबसे बड़ा स्रोत था। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो प्रांतों का शासन, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। उत्तरदायी शासन जो था, प्रांतीय स्वायत्तता थी। उत्तरदायी शासन, केंद्र प्रशासन, केंद्र में जो केंद्र शासन प्रणाली आई थी अस्तित्व भारतीय संघ में था और केंद्र में द्वैत शासन आरक्षित शासन हस्तांतरित विषयों पर जो है द्वैत शासन जो है लागू किया गया था। भारत परिषद था, इंडियन काउंसिल की बात करें द्विसदनी। राज्य परिषद में उच्च सदन 260 सीटें थी और विधान परिषद में 375 सीटें थी। भारत शासन के विषय की बात करें तो केंद्रीय सूची में 61 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे। समवर्ती सूची में जो है 36 विषय रखे गए थे। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें तो यूरोपियन थे, एंग्लो इंडियन थे और ईसाई थे। गठन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक और सर्वोच्च न्यायालय और संघ सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग जो है, एक प्रकार से इसका जो गठन किया गया था। विभाजन की बात करें, भारत से वर्मा जो है म्यांमार का जो है विभाजन किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधान थे हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं जनरली, अब इनके बारे में हम नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।